नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 13 साल की लड़की के अबॉर्शन को हरी झंडी मिल गई है। दरअसल देहरादून की रहने वाली इस किशोरी के साथ उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया था, इसकी वजह से वो गर्भवती हो गई थी। जानकारी होने पर परिजनों ने जिला न्यायालय और फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उत्तराखंड में एक 13 साल की किशोरी के गर्भपात को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सीएमओ को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करने और गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ये लड़की फिलहाल 25 सप्ताह चार दिन की गर्भवती है, जबकि देश में अधिकतम 24 सप्ताह के गर्भ को ही गिराने की अनुमति है। जानकारी के मुताबिक देहरादून के रहने वाली इस किशोरी के साथ उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया, इसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। परिजनों ने जिला न्यायालय से गुहार लगाई। हाईकोर्ट में भी गुहार लगाते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अपना फैसला सुना लिया। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति दी। इसके साथ ही सीएमओ को गर्भपात प्रक्रिया पूरी कर हर हाल में इसके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सतपाल महाराज ने एनएच की खराब गुणवत्ता के चलते सड़क के डामर को उखाड़ने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सड़क उखाड़ दी गई। यही नहीं, सतपाल महाराज ने निर्माणदायी विभाग पर इस प्रकार के कार्य को लेकर जमकर फटकार भी लगाई है। मंत्री के आदेशों पर बौरीखाल से मझगांव के बीच 10 मीटर सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सड़क उखाड़ भी दी गई। अब इस जगह पर निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क फिर से बनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को उखाड़ने के निर्देश दिए गए, साथ ही खराब गुणवत्ता के लिए संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क को जेसीबी से उखाड़ दिया गया, अब यहाँ शीघ्र सड़क निर्माण किया जाएगा। देखा जाएगा भारी वाहन संचालन के योग्य है या नहीं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश में असुरक्षित पाए गए 36 पुलों का एक बार फिर से परीक्षण करेगा। जो पुलिस योग्य होंगे उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, बाकी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। गुजरात के मोरबी में हुई पुल दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने प्रदेश में सभी पुलों की स्थिति जानने और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से लोनिवी ने प्रदेश के सभी 5 जोनों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। रिपोर्ट में प्रदेश में 36 पुल वाहन चलाने के लिए सुरक्षित नहीं पाए गए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के अनुसार शासन के निर्देश पर सभी पुलों का सर्वे शुरू किया गया, जिनमें भारी वाहनों का संचालन किया जा सकता है, केवल उन्हीं को ही फिर से ठीक किया जाएगा। हरिद्वार में एक पिटबुल ने 9 साल के मासूम बच्चे को शिकार बना लिया। यहां कनकल थाना क्षेत्र में मिश्रा गार्डन कॉलोनी में खेल रहे बच्चे को पिटबुल ने बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया। बच्चे को पिटबुल ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद जो पिटबुल के मालिक हैं उस पर पीड़ित बच्चे के पिता ने केस दर्ज करवाया है, क्योंकि इस ब्रीड के कुत्ते पालने पर कुछ नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रतिबंध भी है। इसको लेकर पुलिस नगर निगम से भी संपर्क करने की बात कह रही है। दरअसल कलकत्ता थाना क्षेत्र में मिश्रा गार्डन कॉलोनी में पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने 9 साल के बच्चे ज्योतिर गुप्ता को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जहाँ ये बच्चा अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने के लिए आया था। इसी इलाके में रहने वाले शिवम चंदवानी के पिटबुल कुत्ते ने इसको पकड़ लिया और उसके पेट और हाथ पर काट लिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन नोडल अधिकारी के दिशा निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम द्वारा लगातार अनैतिक व्यापार और बाल विवाह बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य को सूचना मिली कि थाना कीछा क्षेत्र में रोडवेज चौक से आगे स्थित स्पा सेंटर में काफी समय से अनैतिक कार्य हो रहा है, जहाँ पर आए दिन युवकों की भीड़ लगी रहती है, जिस कारण आम लोगों का और मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए द रिलैक्स स्पा सेंटर में छापेमारी की गई, तो मौके पर संचालक सहित 6 युवक और 4 युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया। मौके पर किसी भी कस्टमर की एंट्री नहीं पाई गई और ना ही थेरेपिस्ट का प्रमाण पत्र और ना ही पुलिस सत्यापन पाया गया। वहीं पुलिस ने स्पा को सीज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और
जितने भी ऐसे सर्विसेज देने वाले हैं उनके विरुद्ध अभियान चलता रहता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि ना हो। तो इसी क्रम में कई स्तर से भी टीम एक आई हुई थी, उसी की टीम के साथ ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान शिक्षा क्षेत्र में एक स्पा सेंटर पे अनैतिक देह व्यापार के गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें टोटल 6 अरेस्टिंग हुई है और एक इसमें आदमी वांटेड है और एक विधि विरोध बालक भी इसमें शामिल था, तो जिसको अभी रक्षा में संरक्षण में दिया गया है। तो इसमें लगातार कार्रवाई इसमें चल रही थी, तो इसमें एस टी यू की टीम को जो सूचना मिली उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। और इसमें क्षेत्र के एक काफ़ी बिजी एरिया में ये रैकेट संचालित हो रहा था और स्थानीय लोगों के बीच में शिकायतें थी, जिसकी वजह से काफ़ी माहौल बहुत खराब। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में एक टीचर लापता हो गया, जिसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। युवक भींगा कोतवाली के पूरी खैरी पटेल नगर से लापता है। वहीं लापता टीचर कंपोजिट विद्यालय मनोहरापुर में तैनात है। 4 दिन बाद भी पुलिस के पास गायब टीचर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से परिजन बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा मामला श्रावस्ती का, जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में एक टीचर अनिल गुप्ता यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है और जिसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। युवक भींगा कोतवाली के पूरी खेरी पटेल नगर से लापता है। वहीं जो लापता टीचर है वो कंपोजिट विद्यालय मनोहरापुर में तैनात है। 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक टीचर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सूर्य प्रताप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्य प्रताप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 4 दिन हो गए हैं, एक टीचर लापता है लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक है अनिल कुमार यादव, जो कि अम्बेडकर नगर जिले के रुकनुद्दीनपुर बगनवा का रहने वाले हैं, जो कि जनपद श्रावस्ती में शिक्षक पद पर तैनात है और कंपोजिट विद्यालय मनोहरापुर में कार्यरत थे, जो कि 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि अपने विद्यालय में पढ़ाने गए थे। वहां से निकलने के बाद इनका कोई पता नहीं लगा है। हालांकि परिजनों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके संबंध में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस इनको बारीकी से संभाल रही है, हर एक पहलू पर नजर बना रहे हैं और बारीकी से इनकी तहकीक की जा रही है कि अच्छा अध्यापक कहाँ लापता हुए हैं और किन परिस्थितियों में है। जी बिल्कुल सूर्य प्रकाश, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पे क्या कुछ कह रही है, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, परिजन परेशान हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। नहीं, पुलिस इस पूरे मामले में सोशल मीडिया से लेकर और सभी थानों तक के जानकारी दी गई है, सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक का पता लगाया जाए और कहां उनकी पूरी जानकारी ली जाए, उसके मोबाइल लोकेशन से संबंधित और भी जितनी भी व्यवस्था उस सारी कुछ पुलिस आला स्तर भी लगे हुए हैं, आला स्तर की निगरानी में सारी पुलिस की कार्रवाई जारी है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अध्यापक का पता किसी न किसी तरीके से उनका पता लगाया जाए और क्या घटना या दुर्घटना हुई है इसके संबंध में भी जानकारी इकट्ठा करने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। वहीं श्रावस्ती में ही सीएससी परिसर में बने आवास में दिनदहाड़े चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने जेवरात समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे सहयोगी सूर्य प्रकाश एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, लगातार हम देख रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस क्या कर रही है? वादे दावे तो बहुत करती है। नहीं, हालांकि घटनाएं जो हो रही है जनपद में, इसको पुलिस प्रशासन हर घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा सकता। हालांकि जो घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। हालांकि ये सीएससी बस्तर में रहने वाली एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स जो तैनात थी, उनके जो आवास है वहाँ परिसर में उनके आवास में दिन दहाड़े चोरी की गई, जो चोरों ने ताला तोड़कर इन घटना को अंजाम दिया है। जेवरात समेत लाखों के नकदी साफ किए गए हैं। हालांकि पुलिस की शिकायत करने के बाद क्षेत्राधिकारी को मौके पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया गया है और चोरों की लगातार तलाशी की जा रही है और उनकी कार्रवाई जल्द ही खुलासा करने की भी बात क्षेत्राधिकारी द्वारा कही गई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सूर्य प्रकाश। तो श्रावस्ती का एक पूरा मामला है जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सीएससी परिसर में दिन दिहाड़े चोरी हुई है, चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात चुरा लिए। हरदोई के शाहबाद इलाके में बहू ने सास की जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल महिला अपनी बुजुर्ग सास के कोतवाली में जाकर उसकी शिकायत किए जाने से नाराज थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई की तस्वीरें आप देख सकते हैं,
जहां पर सास और बहू की लड़ाई देखी जा सकती है। हरदोई के शाहबाद इलाके का एक पूरा मामला है जहां पर एक बहू ने सास को जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल महिला अपनी बुजुर्ग सास के कोतवाली में जाकर उसकी शिकायत किए जाने से बेहद नाराज थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये विद्यावती हैं, पत्नी स्वर्गीय श्री प्रसादी लाल, ये मीरा बस्ती शाहबाद की रहने वाली है। ये बुजुर्ग महिला है, इनकी बहू ने इनको मारा पीटा, गाली गलौज किया है। इस पे इनकी तरफ से, विद्यावती की तरफ से एक तहरीर प्राप्त की गई है, जिसके आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में तुगलकी फरमान सुनाने वाले दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा चाकू से उंगली काट लेने की बात कर रहा है। वहीं अब वायरल वीडियो पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए दारोगा पर कार्रवाई की बात कही है। अमेठी का एक पूरा मामला है जहां पर अमेठी में तुगलकी फरमान सुनाने वाले दारोगा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दारोगा मारने की धमकी दे रहा है। वहीं अब वायरल वीडियो पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए दारोगा पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि देखना होगा कि कब तक कार्रवाई हो पाती है। ताज़ा मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां गरीबों को बांटने वाले राशन का कालाबाजारी बड़े स्तर पर की जा रही है। लगभग 16 क्विंटल चावल से भरी बोरियों की पैकिंग बदलकर टैक्सी के माध्यम से बेचने को ले जाई जा रही थी। इसी बीच चावल से लदी टैक्सी का किसी बाइक सवार युवक से एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान बाइक सवार युवक और टैक्सी ड्राइवरों में आपस में झगड़ा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस, अवैध रूप से चावल बेचने ले जा रही टैक्सी की पोल खुल गई। पूछने पर टैक्सी ड्राइवर चावल के बारे में कोई प्रपत्र नहीं दिखा सका और ना ही सही जानकारी दे सका है। यहां बता दें कि ललितपुर जनपद में चावल की पैदावार नहीं है, लेकिन फिर भी यहां राशन का चावल ही पैकिंग बदलकर अवैध रूप से चावल माफिया सक्रिय होकर बेचते हैं। इस मामले पर एसडीएम सदर ने संज्ञान लेकर जिला पूर्ति अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों को मौके पर भेजा, जिन्होंने मामले की जाँच कर एफआईआर दर्ज की है और माल को दूसरे राशन वाले सुपुर्द कर दिया। क्या है टैक्सी में? सफेद चावल। चावल कहाँ से ला रहे थे? यहीं रखा हुआ था। कहाँ रखा था? यहीं ग्राउंड था, उसमें रखा, नहीं चला गया, नाम नहीं उसका पता। अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर। आपने कहाँ से उठाया? सर आगे थोड़ी आगे जगह है, वहाँ रखा हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे? मंडी ले जा रहे हैं। मंडी चावल पैक करके बेचा जा रहा था, यानी कहा जा सकता है कि कालाबाजारी काफ़ी ज़्यादा ललितपुर में देखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अवैध रूप से चावल यहां बेचे जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में इसको, जो टेम्पो का चालक था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कह रही है। एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है, इसको लेकर देश भर में किसान एकजुट होकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि 9 दिसंबर को किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। खेरा ने कहा था कि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आमंत्रित किया है। खेरा ने कहा कि वर्तमान में किसान, मजदूर, नौजवान सभी परेशान हैं। इसको लेकर आज हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ सैयद मुबशिर ने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। एक साल तक चले किसान आंदोलन का रुख सरकार के सामने भारी पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। जो किसानों की मांगें थी उन्हें मानना पड़ा और कहीं ना कहीं जो कानून बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम शायद किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार फिर किसान आंदोलन जो है, सर अपना परिचय दे दें। मैं हरमिंदर सिंह लाडी, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस उत्तराखंड। आज हम जंतर मंतर में पूरी ऑल इंडिया किसान मजदूर रैली में जा रहे हैं।
क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ तक दशा हो गई कि जो हमारे किसान भाई हैं महंगाई के मारे हुए, उनकी जो फसल पर लागत है वो भी पूरी नहीं हो रही। और खाली एक चौंचले देते हैं प्रधानमंत्री जी, 15 लाख रुपए आएगा, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ तक कि आज खाद का जो रेट पहले 600 रुपए था, और पोटाश का रेट 1500 भी पाले पड़ जाएंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक साल तक आपने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को आपने झुकना पड़ा, मांगे माननी पड़ी, सारी चीजें जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं हुए, उनमें से कोई भी चीज ऐसी? कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। यहाँ तक कि एक मैं तो कहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को कि जो सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने शहीदी दी, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उनका शोक प्रकट नहीं किया। कोई भी अगर गाँव में कोई भी किसी वर्ग का खत्म होता है तो पूरा गाँव उसमें शोक करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ये बात नहीं कही कि मेरी वजह से किसानों ने शहीदी। तो आज आप लोग जनता के अंदर जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर जा रहे हैं? भारतवर्ष में हिंदुस्तान में जो महंगाई, जो किसान की दशा है मजदूर की, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हमारे उत्तराखंड में धान की फसल नष्ट हो गई। ऐसा मौसम खराब हुआ कि बिल्कुल नष्ट हो गई। सरकार वहां भी बीजेपी की है, किसी को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि हमारे जितने नौजवान साथी हैं वो बिल्कुल सड़कों पर बैठे हुए, उन पर रोटी भी नहीं मिल रही। और हमारी जो आज आंदोलन है किसानों का, कांग्रेस किसान मजदूर का, ये इसी मुद्दे पर है, महंगाई पर, रोजगार पर। और जो हमारे बीच में एक जहर घोटा जा रहा है वो जहर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लड़ाना। आपने देखा जातिवाद इतना चल पड़ा कि फिर भी हिमाचल की जनता ने दिखा दिया सेंटर में कि अब जातिवाद नहीं चलेगा। और कांग्रेस का एक ही, और हमारी जो आज आंदोलन है किसानों का, कांग्रेस किसान मजदूर का, ये इसी मुद्दे पर है, महंगाई पर, रोजगार पर। और जो हमारे बीच में एक जहर घोटा जा रहा है वो जहर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लड़ाना। आपने देखा जातिवाद इतना चल पड़ा कि फिर भी हिमाचल की जनता ने दिखा दिया सेंटर में कि अब जातिवाद नहीं चलेगा। और कांग्रेस का एक ही नारा चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। ये जाहिर सी बात है, एक बार फिर किसानों का जो रुख है वो बदलता जा रहा है। इस बात को लेकर, जिस मांगों को लेकर सरकार के सामने एक साल से ज्यादा समय तक रुके रहे, अब दोबारा से कहीं ना कहीं ये आंदोलन फिर खड़ा होने की तैयारी में है। फिलहाल जा रहे हैं ये लोग जंतर मंतर पर, और क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी जरूर कह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वन इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।